जो भी यहाँ पे हारेगा सीधा पूल के अंदर आके गिरेगा। अब बहुत ही जोर से टक्कर होने वाली है दोनों की। ओ माय गॉड। तो गाइस मैं हूँ रयान। आज की वीडियो में हम लोग धूम मचाने वाले हैं, क्योंकि गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को बार बार कमेंट्स में बोला था कि हमारे पास जो टाटा का इंडियन ऑयल ट्रक है इसके लिए और बड़े से ट्रैक्सेस के ट्रक के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैक बनाने के लिए। तो ट्रैक को मैंने रेडी कर लिया है गाइस। आज ट्रैक के साथ साथ बहुत बड़े बड़े मैंने ब्रिजेस भी बना रखे हैं ये टाटा ट्रक और बहुत सारी कार्स को चलाने के लिए। मेरे पास आज यहाँ पे है ये कार गाइस, इसको बोलते हैं 4x4 आर्मा ग्रेनाइट। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया था, ये तो आपको पता होगा गाइस ये कितनी ज्यादा बड़ी ट्रक है। एक बार इसका साइज देखो यार, बहुत ही तगड़ी वाली ट्रैक से इसकी ट्रक है। आज इसको भी चलाएंगे हम लोग ट्रैक के ऊपर। साथ में मेरे पास TRX 6 भी आ चुकी है यार, साथ में मेरे पास टोयोटा लैंड क्रूजर भी आ चुकी है भाई। यहाँ पे आज मैंने जितनी भी कार्स या फिर जितनी भी ट्रक्स ली है उनका साइज आप एक बार देख सकते हो, कितने ज्यादा बड़े साइज के यहाँ पे कार्स है। चलो गाइस फटाफट से पहले एक बार ट्रैक मैं आपको बताता हूँ। कार को देखो, पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला जो रैंप है इसके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। रैंप के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा झूलता हुआ ब्रिज बना दिया है। यहाँ पे जो भी कार का बैलेंस खराब होगा वो सीधा जाएगी ये बड़े से पूल के अंदर। फिर गाइस उसका काम तो तमाम ही हो जाएगा। उसके बाद हमारी कार या फिर जो भी ट्रक है उसको आना पड़ेगा ये वाले ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज भाई मेरे को बनाने में 2 दिन का टाइम लग चुका है, तो इसी बात पे वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना। जैसे ही कार या फिर ट्रक इसके ऊपर आएगी ना, ये भी इस तरीके से झूलने लगता है भाई। कार को बहुत ज्यादा बैलेंस में रह के यहाँ से निकलना पड़ेगा, कार आएगी ये ब्रिज के ऊपर से। उसके बाद उसको नीचे भी उतरना पड़ेगा यार, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रैंप के ऊपर इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी बना दिए हैं। स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से निकलने के बाद कार को या फिर ट्रक को यहाँ पे आना पड़ेगा। ऊपर नीचे करके ये सारे के सारे टायर्स को मैंने यहाँ पे असेंबल कर दिया है। साथ में देखो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर को भी रख दिया है, फिर यहाँ पे गोल मटोल से सिलेंडर रख दिया है, फिर इधर देख लो गाइस ये कीचड़ है, कीचड़ के अंदर अब हम लोग लगाने वाले हैं। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि यार देख सकते हो यहाँ पे आग लगेगी। आग में से कार को निकल के आना पड़ेगा वो कंकड़ के ऊपर, उसके पास आना पड़ेगा उसको रेत में। फिर गाइस यहाँ पे तो भाई एकदम मैंने खतरनाक चीज बना दी है, 1 इंच की चौड़ाई है इसकी भी और इसकी भी। कार को या फिर ट्रक को बैलेंस में रह के इसके ऊपर से यहाँ से आना पड़ेगा ये बड़े से रैंप के ऊपर। ये रैंप भी देखो काफी ज्यादा चौड़ाई में कम है, कार को यहाँ पे भी बैलेंस में रह के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे छोटे छोटे से स्पीड ब्रेकर है, ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है। देखते हैं गाइस कौन सी कार या फिर कौन सा ट्रक यहाँ तक आएगा और बनेगा आज का चैंपियन। तो चलो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं इंडियन ऑयल का टाटा ट्रक चलाने वाला हूँ। देखते हैं हमारे रैंप के ऊपर से या फिर ये ब्रिज के ऊपर से ये निकल पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे देखो गाइस हमारा टाटा ट्रक धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है। और तेरी भाई इसके टायर्स बहुत ज़्यादा छोटे साइज के हैं भाई, मेरे को अभी थोड़ा सा डर लगने लगा यार, क्योंकि इसके टायर छोटे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पे इसको मैंने अभी गियर भी चेंज कर दिया है। और तेरी यार इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तुमने जैसे ही ट्रिगर छोड़ा था ना ये एकदम से पीछे आ गया था, तो इसको मैं फिर से चला रहा हूँ गाइस। यहाँ से देखो इसके टायर्स के ऊपर ग्रिप बहुत ज़्यादा कम दी गई है, ट्रक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ऊपर चढ़ने में। ओके गाइस यहाँ तक ये चढ़ चुकी है। ओ भाई देख रहे हो गाइस यहाँ तक ये पहुँच चुकी है, पर इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक्स नहीं है। ओ भाई साहब हमारा टैंकर गिर चुका है पानी के अंदर। मेरे को लग रहा है इसका जो गियर है वो कम्प्लीटली स्लिप हो चुका है, इस वजह से ये एकदम से नीचे आके पानी में धड़ाम से गिर चुकी है। दोस्तों अब मैं चलाने वाला हूँ TRX 6 मर्सिडीज को, देखते हैं ये ट्रैक के ऊपर से चलती है या फिर नहीं। हमारी टाटा की जो ट्रक थी वो तो पानी के अंदर गिर गई थी, देखते हैं ये कितनी दूर तक जाती है। ओके इसके अंदर मोटर नहीं डालने के बाद इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ईजिली ये ब्रिज तक पहुँच चुकी है। इसको ग्रिप भी बहुत मस्त तरीके से मिल रही है यार। कार इधर तक पहुँच चुकी है क्योंकि इसके अंदर 6-6 टायर्स है, इस वजह से नो डाउट भाई अब तक तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। अब देखते हैं ये ब्रिज के ऊपर किस तरीके से निकलेगी। ओ माय गॉड, थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले लेता हूँ। अब देख संभाल कर इसको मैं धीरे धीरे से ऊपर चढ़ाने वाला हूँ। ब्रिज बहुत ही ज्यादा हिलने लग रहा है यार, मेरे को तो अभी यहाँ पे डर भी लगने लग रहा है कहीं ये पानी में ना गिर जाए। यहाँ पर इसका जो शाफ्ट है नीचे फंस चुका है, अब इसको यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे अभी तक मैंने इसके डिफरेंशियल लॉक्स ऑन नहीं किए थे, अब मैं ऑन करने वाला हूँ।
ये इसके डिफरेंशियल लॉक्स ऑन हो चुके हैं और यहाँ पे इसका गियर 2 है, ये मैंने इसको गियर 2 में अभी डाल दिया है। देखते हैं अब ये यहाँ से निकल पाएगी या फिर नहीं। ओह, टेप के कारण देखो इसका टायर ये फिसलने लगा है। माय गॉड, ये क्या हो गया TRX 6 के साथ? ये इतनी पावरफुल कार ही यहाँ से पलट चुकी है। आप सोचोगे ये ट्रैक कितना ज्यादा डेंजरस है। तो अब मैं आर्मा ग्रेनाइट को चलाने वाला हूँ। ये 4x4 है, इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा होती है, एक बार दिखाता हूँ। ओहो, देखते हैं गाइस ये कितनी दूर तक जा पाएगी। ओह माय गॉड, पावर तो देखो इसकी कितनी ज्यादा है, पर इसको मेरे को कंट्रोल में रख के चलाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक्स नहीं दिए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है गाइस। ओह माय गॉड, ये तो पानी में गिर गई यार। अबे भाई ये क्या हो गया? इसके अंदर पावर तो बहुत ज्यादा दी गई है पर इसके अंदर कंट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं है यार। देखो अब तक 2 कारें यहाँ से आउट हो चुकी है। लैंड क्रूजर को मैं चलाने वाला हूँ, देखते हैं ये कितनी दूर तक चलती है। ये कार के अंदर पावर तो बहुत ज्यादा है, देख रहे हो गाइस इतनी ऊंची ईंटें हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर चढ़ चुकी है। साथ में इसके टायर्स काफी ज्यादा बड़े साइज के भी है। तो ब्रिज के ऊपर तक ये पहुंच चुकी है, अभी यहाँ से मैं इसको चढ़ा रहा हूँ। इजिली पहुंच चुकी है दूसरे ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे देखो यार, ओ माय गॉड, ब्रिज बहुत ज्यादा हिल रहा है। अरे अरे बाप रे, कहीं ये नीचे ना गिर जाए यार। ओके, धीरे धीरे मैं इसको चला रहा हूँ, यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। थोड़ा सा रिवर्स ले रहा हूँ, आ चुकी है रिवर्स। अब इसको ज्यादा ट्रिगर देके निकालने की कोशिश करूंगा। ये देखो भाई, यहाँ पर ये जंप मार के आ चुकी है। अब इसको मैं धीरे धीरे से नीचे उतारूंगा गाइस, वरना ये नीचे भी गिर सकती है। अरे बाप रे, ये कितना ज्यादा झूल रही है यार, मेरे को तो डर लग रहा है भाई, कहीं ये नीचे ना गिर जाए। ओके, ये रैंप के ऊपर से ये नीचे आ चुकी है। टायर्स के ऊपर से देखते हैं गाइस ये किस तरीके से चलती है। ओ माय गॉड, सस्पेंशन तो इसका बहुत मस्त तरीके से काम कर रहा है। टायरों के ऊपर से निकल के पत्थरों के ऊपर तक आ चुकी है। अब सिलेंडर के ऊपर से भी, ओ भाई इसके टायर्स बहुत ज्यादा स्लिप हो रहे थे। ओके, यहाँ तक ये पहुंच चुकी है। बूम गाइस, यहाँ पे आग लग चुकी है। अब टोयोटा FJ40 को इसके अंदर से जाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यहाँ तक तो ये पहुंच चुकी है। थोड़ा सा रिवर्स लेके मैं इसको चला रहा हूँ। ओ भाई, इसके अंदर ताकत तो बहुत ज्यादा है यार, संभल नहीं रही है भाई, पता नहीं इसको क्या हो चुका है। आग लगने के बाद देखोगे ये बहुत ज्यादा अनबैलेंस हुए जा रही है। फिर देखो इसका सस्पेंशन भी पूरा नीचे की तरफ दब चुका है। नीचे एक बार पलट के देखते हैं भाई, नीचे के पार्ट्स इसके गर्म हो चुके हैं आग लगने के कारण। ओ माय गॉड गाइस, इसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है यार, इसके अंदर से धुआं निकल रहा है भाई। अरे यार, मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी खराब हो जाएगी, अब तो देखो ये काम ही नहीं कर रही है। आज का ट्रैक इतना ज्यादा मुश्किल होगा, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब यहाँ पे सिर्फ ये एक ही ट्रक बची है। तो आप TRX 6 ट्रैक्सेस अल्टीमेट ट्रक को मैं चलाने वाला हूँ, देखते हैं ये कितनी दूर तक हमारे ट्रैक के ऊपर चलती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, 6 टायर्स होने के कारण बहुत मस्त तरीके से ये भी चल रही है, ब्रिज के ऊपर तक पहुंच चुकी है। इसका वेट बहुत ज्यादा है यार, देखो ब्रिज पूरा नीचे दब चुका है। यार ये दृश्य तो बहुत ज्यादा मजबूत है। ओ नहीं यार, यहाँ पे थोड़ा सा फंस गई थी, अब मेरे को इसके डिफरेंशियल लॉक्स ऑन करना पड़ेगा। ये मैंने ऑन कर दिया है, देखते हैं गाइस अब ये निकलती है या फिर नहीं यहाँ से। ओ भाई, अभी ये गिरते गिरते रह गई यार, मैंने इसको जैसे तैसे करके संभाल लिया है। देखो ये वाला जो टायर है ऑलमोस्ट अभी पूल के अंदर चला जाता। अब धीरे धीरे करके इसको चलाते हैं। ओ माय गॉड भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक सा ब्रिज है यार ये तो। यहाँ से अब इसको ऊपर चढ़ाता हूँ मैं, काम करते हैं अब इसका गियर चेंज करते हैं। ओ तेरी, यहाँ पे वापस से गड़बड़ हो चुकी है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले रहा था, अभी ये गिरते गिरते यहाँ पे बची है। अब इसको मैं धीरे से पीछे करूंगा, देखते हैं पीछे जा पाएगी या फिर नहीं। ओके, पीछे तक आ चुकी है क्योंकि इसके टायरों के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी दी गई है। देखते हैं गाइस ये चढ़ती है या फिर पलट के नीचे गिरती है। यहाँ तक पहुँच चुकी है। ओ भाई यार, बहुत इजीली है, नीचे भी उतर चुकी है इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकरों के ऊपर से। यहाँ से अब टर्न कराने वाला हूँ मैं इसको। यार ये बहुत ज़्यादा लंबी है, देखो ट्रैक के बाहर जा रही थी। ये ट्रक इतनी बड़ी होने के बावजूद भी यहाँ से ये टर्न हो चुकी है, इससे ये पता चलता है कि इसकी कंट्रोलिंग कितनी ज़्यादा मस्त है। अब
पत्थरों के ऊपर ही आ चुकी है। पत्थरों के ऊपर से मैं इसको चलाने वाला हूँ। ओके यहाँ तक चढ़ चुकी है। ओ माय गॉड, काफी तगड़ी परफॉर्मेंस है अब तक ट्रैक्सेस के ट्रक की। अब आएगा सबसे मुश्किल रास्ता। यहाँ पे लग चुकी है कीचड़ के अंदर आग। ये बहुत आसानी से यहाँ से निकल चुकी है। अब देखते हैं क्या ये जो ट्रक है ये आग को बुझा पाएगा या फिर नहीं। इससे पहले एक कार हमारी खराब हो चुकी है यहाँ पे। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये आग को बुझाने के लिए, पर ये आग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ड्रिफ्ट कराने वाला हूँ। ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, फाइनली दोस्तों हमारी जो ट्रक है पूरी तरीके से यहाँ पे जो आग लगी थी उसको बुझा चुकी है ड्रिफ्ट करके। तो अब इसको बैलेंस में रह के यहाँ से चढ़ाई करनी पड़ेगी। ओ भाई, इसके टायरों के ऊपर पूरी रेत लग चुकी है। बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ मैंने यहाँ पे बना रखी है। ओह माय गॉड, इसकी बैलेंसिंग देखो यार कितनी ज़्यादा मस्त है। ओहो, यहाँ तक तो ये पहुँच चुकी है। अब इसको ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। वाह यार, मान गए ट्रैक्सेस की ट्रक को। भाई यहाँ तक तो कोई भी कार नहीं पहुँच पाई है, पर हमारी ट्रैक्सेस देखो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो चुकी है। इसके टायरों को पूरी तरीके से रेत चिपक चुकी है, फिर भी इसकी बैलेंसिंग और इसकी कंट्रोलिंग देखो कितनी ज़्यादा मस्त है। फाइनली गाइस यहाँ तक ये पहुँच चुकी है और ये हमारी चैंपियन। मेरे को एक बार में तो लगा था कि ये ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाएगी, कि बाकी आप देख सकते हो गाइस यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है। सिर्फ वन एंड ओनली ट्रैक्सेस अल्टीमेट ट्रक यहाँ तक पहुँच चुकी है और ये बन चुकी है आज के ट्रैक की चैंपियन। अब ये ब्रिज के ऊपर फाइट होने वाली है इंडियन ऑयल टाटा ट्रक वर्सेस मर्सिडीज TRX 6 के बीच में। देखते हैं गाइस कौन जीतता है। जो भी यहाँ पे हारेगा सीधा पूल के अंदर आके गिरेगा। अब बहुत ही जोर से टक्कर होने वाली है दोनों की। ओ माय गॉड, ये क्या सीन था यार। TRX 6 ने पूरी की पूरी कैबिन तोड़ के रख दी है इंडियन ऑयल ट्रक की। भाई क्या ही खतरनाक टक्कर थी। ओ माय गॉड, इसको मैं पहले यहाँ पे रख देता हूँ। यार इसके तो पूरे परकच्छे उड़ चुके हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जस्ट स्टीयरिंग बची है और उसके मडगार्ड बचे हैं। बाकी की जो ऊपर की कैबिन है ये टूट के पूल के अंदर गिर चुकी है। भाई अपनी मर्सिडीज ने इसको इतनी खतरनाक वाली टक्कर मारी कि भाई ये अब बची ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने के दो टायर्स नजर आ रहे हैं सिर्फ इसके, बाकी मर्सिडीज को भी एक बार देखते हैं। कुछ नहीं हुआ यार, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा है। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो कलर था अपनी टाटा ट्रक का वो यहाँ पे आके चिपक चुका है। बाकी भाई ये एकदम मजबूत वाली कार है यार। अब यहाँ पे फाइनल फाइट होने वाली है दो दो TRX 6 के बीच में। ये मर्सिडीज है और ये अल्टीमेट ट्रक है गाइस। देखते हैं अब कौन जीतता है। ये दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। वाओ, यहाँ पे वाओ बहुत ही खतरनाक सीन हो चुका है। एक और बार मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे सीन बहुत ही खतरनाक था यार, यहाँ नीचे जंप लगा दिया है। बाकी इसकी हालत तो आप देख ही सकते हो, अभी ये चलने लायक बची नहीं है। ट्रैक्सेस TRX 6 बिल्कुल सही तरीके से खड़ी हुई है, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आर्मा ग्रेनाइट के साथ इसकी फाइट कराते हैं। आर्मा ग्रेनाइट बहुत ज्यादा पावरफुल कार है, फिर भी TRX 6 अल्टीमेट के सामने ये टिक नहीं पाई है। भाई इसने तो ब्रिज को ही तहस नहस करके रख दिया है और आर्मा ग्रेनाइट उधर जाके गिरी है। आज की चैंपियन ये बन चुकी है पुशबैक में भी और ट्रैक के ऊपर चलने के मामले में भी। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको कौन सी वाली ट्रक या फिर कौन सी वाली कार आज की वीडियो में अच्छी लगी। आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है रेहान, प्रज्ञान, हर्षित, लोकांशु, आदित्य, नबील, नवाज, यतीश, अजय, किरण। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।